Top 10 World Mysterious Places. Number 10. The Nazca Lines of Peru. किसी अनजान सी सभ्यता के अस्तित्व की अनूठी विरासत है नाजका रेखाएं। ये रेखाएं वस्तुतः जियोग्लिफ्स धरती पर बने विशाल रेखा चित्र है। 80 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैले भूभाग में सेक्टर रेखा चित्रों का संग्रह है। योजक चिन्ह नाजका रेखाएं। इन रेखाओं में पक्षी बंदर आदि जीवों के अलावे कई ज्यामितीय रेखाएं भी है जिनमें त्रिभुज चतुर्भुज आदि सदृश्य संरचनाएं शामिल है। स्थापित मान्यता के अनुसार इस संरचना का कालक्रम 200 BCE और 700 CE के मध्य का माना जाता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल ये रचनाएं जहां अभी भी कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए हैं, वहीं बदलती जलवायु से इनके अस्तित्व को खतरा भी पैदा हो गया है। इन आकृतियों का उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो मगर ऐसी सभ्यताएं एक सवाल तो मन में उत्पन्न कर ही देती हैं कि योजक चिन्ह जाने वो कैसे लोग थे। इसके अलावा एक ऐसी संरचना को भी इस बात का प्रमाण मानते हैं जो किसी स्पेसशिप के उतरने के लिए बनाए गए रनवे की तरह दिखाई देती है। इसके लिए प्रमाण देते हैं कि ये नाजका की रेखाएं एलियंस को रास्ता दिखाने और अपने स्पेसशिप को सही तरीके से धरती पर उतारने के लिए किया गया था। नंबर 9. द माचू पिच्चू। माचू पिच्चू क्वेशुआ माचू पिच्चू पुरानी चोटी दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित एक कोलंबस योजक चिन्ह पूर्व युग इनका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी जिसमें से उरुबाम्बा नदी बहती है के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। यह कुस्को से 80 किलोमीटर 50 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे अक्सर इनकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। माचू पिच्चू इनका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। 7 जुलाई 2007 को घोषित विश्व के सात नए आश्चर्यों में माचू पिच्चू भी एक है। नंबर 8. फ्लाई गीजर। गियर फ्लाई जिसे फ्लाई रंच गेजर के रूप में भी जाना जाता है एक छोटा भू योजक चिन्ह तापीय गीसर है जो वाशू काउंटी नेवाडा में निजी भूमि पर स्थित है जो कि गैराज के करीब 20 मील 32 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। फ्लाई गेजर हुलापाई भूतापीय फ्लैटों में मक्खी रिजर्वायर के किनारे के पास स्थित है और लगभग 5 फीट 1.5 मीटर ऊंची है जो 12 फुट 3.7 मीटर चौड़ा है जिस पर वह बैठता है। जून 2016 में गैर योजक चिन्ह लाभकारी बनिंग मैन प्रोजेक्ट ने घोषणा की कि वे $6.5 मिलियन के लिए गीजर सहित मक्खी रच खरीदा था। नंबर 7. कानो क्रिस्टेल्स कोलंबिया। क्या आपने किसी ऐसी नदी को देखा है जो हर मौसम में अपना रंग बदल लेती है? अगर नहीं देखा तो बता दें कि कोलंबिया की कानो क्रिस्टेल्स एक ऐसी ही नदी है जिसके पानी का रंग मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। कभी ये नदी लाल कभी नीली पीली हरी और कभी नारंगी दिखती है इसलिए इसे लिक्विड रेनबो भी कहते हैं। असल में मैकेरिनिया क्लेविगेरा नाम के एक पौधे के कारण नदी का रंग बदला हुआ दिखता है। हर मौसम में पानी के नीचे निश्चित गहराई और सूरज की रोशनी के कारण नदी का रंग बदला हुआ दिखता है। इस नदी की खूबसूरती को निहारने के लिए आप जून से दिसंबर तक इस इलाके में आ सकते हैं क्योंकि जनवरी से मई तक गर्मी के कारण पर्यटकों के लिए इस जगह को बंद रखा जाता है। मगर साल 2000 से पहले यहां हिंसक गतिविधियों वाले कुछ गैंग सक्रिय थे लिहाजा लोग यहां आने से डरते थे। नंबर 6. ट्रेविटन पूल्स ऑफ पमुक्कले। पामुक्कल जिसका अर्थ तुर्की में कपास महल है दक्षिण योजक चिन्ह पश्चिमी तुर्की में डेनिजली प्रांत में एक प्राकृतिक स्थल है। यह क्षेत्र अपने गर्म स्प्रिंग्स और ट्रेविटन के विशाल सफेद छतों एक कार्बोनेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है जो बहते पानी से बचा है। एक यह टर्की के इनाइजियन क्षेत्र में स्थित है जो कि मेंड्रेस घाटी नदी में स्थित है जिसमें अधिकांश वर्ष के लिए एक समशीतोष्ण जलवायु होती है। तुर्की ट्रेविटन पूल्स ऑफ पामुक्कले दुनिया के इस अनोखे पुल को देखते समय आपकी आंखें इस पर ठहर जाएगी। 2000 साल पुराने इस पुल पर सफेद छतों के साथ नीले पानी का अनोखा संगम देखने को मिलता है। पूल्स। नंबर 5. द ग्रेट पिरामिड इजिप्ट। विश्व के सात अजूबों में सबसे पुराना है ग्रेट पिरामिड मिस्र के गीजा शहर में बना है। ग्रेट पिरामिड जो वहां के राजवंश में शामिल रहे फिराओं खुफू का मकबरा है। करीब 2550 ईसा पूर्व में इस मकबरे और पिरामिड के निर्माण में 20 साल लगे थे। उस वक्त ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई 147 मीटर 481 फीट थी लेकिन लगातार अपक्षरण के कारण आज उसकी ऊंचाई 139 मीटर ही रह गई है।
23 लाख पत्थर लगे थे। निर्माण में योजक चिन्ह विश्व के 7 अजूबों में गीजा का पिरामिड सबसे अधिक पुराना है। योजक चिन्ह 3 पिरामिडों में ग्रेट पिरामिड ही सबसे बड़ा और अब तक का विशालतम है। योजक चिन्ह इसके निर्माण में पत्थर के करीब 23 लाख टुकड़े लगे थे। हर पत्थर का वजन 2.5 टन से 15 टन तक था। नंबर 4, द ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड चिली देश का एक ऐसा द्वीप है जहां लगभग 600 मूर्तियों का बड़ा कलेक्शन रखा है। इन्हें माई नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि हथौड़े से ठोके जाने के बावजूद इनमें छोटी योजक चिन्ह मोटी खरोंच के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहां कई रहस्यमय मूर्तियां लगभग 100 टन वजनी और 30-40 फीट लंबी है। क्या है इन मूर्तियों की खास बात? इनकी खास बात यह है कि ये सभी मूर्तियां देखने में लगभग एक जैसी ही हैं, मानो सभी को एक ही सांचे से ढाला गया हो। इन्हें लेकर हमेशा से यह सवाल बना हुआ है कि जब वहां द्वीप पर किसी के रहने के सबूत नहीं मिले तो इन्हें द्वीप पर लेकर कौन आया होगा। वो भी एक या दो मूर्ति नहीं बल्कि पूरे द्वीप पर 600 से अधिक मूर्ति लगी है। अगर इन्हें बाहर से भी लाया गया होगा तो लाने का क्या कारण होगा, या इतने वजन वाले पत्थर को इतनी संख्या में कैसे लाया गया होगा। इस बारे में लोगों का मानना है कि इस द्वीप पर सालों पहले एलियंस ने यहां आकर इनका निर्माण किया था और वे इन्हें बीच में ही आधा छोड़कर चले गए थे। नंबर 3, स्टोनहेंज। स्टोनहेंज ब्रिटेन की विल्टशायर काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक प्रीहिस्टोरिक स्थापत्य है। यह एक महापाषाण शिलावृत बड़ी शिलाओं को व्यवस्थित करके बनाया गया गोला है। इसमें 7 मीटर 23 फुट से भी ऊंची शिलाओं को धरती में गाड़कर खड़ा करके एक चक्र बनाया गया था। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि इसका निर्माण पाषाण युग और कांस्य युग में 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व काल में संपन्न हुआ। स्टोनहेंज के प्राचीन निर्माताओं के ध्येय के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन यहाँ 3000 ईसा पूर्व काल से शुरू होकर मानव कब्रों के चिन्ह मिलते हैं, जिनमें सबसे प्राचीन अस्थियां 3000 ईपू में अग्निदाह किए गए एक मृतक की है। नंबर 2, द बर्म्यूडा ट्रायंगल। बर्म्यूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। आज दुनिया विज्ञान के क्षेत्र में कई मील आगे आ गई है, लेकिन फिर भी दुनिया के इस हिस्से में जो रहस्य है उसकी वजहों का पता किसी को नहीं लग सका है। यह वह जगह है जहां पर कई एयरक्राफ्ट्स और शिप्स गायब हो गई और किसी को भी पता नहीं लग सका। जगह पर ऐसी कई असाधारण बातों का जिक्र लोग करते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें कहा गया है कि इस जगह पर कई हादसे हुए हैं जो डराने वाले हैं और रहस्य से भरपूर है। बर्म्यूडा ट्रायंगल समंदर के 4,40,000 मीटर लग क्षेत्र को कवर करता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि कई प्राकृतिक भौगोलिक और दूसरी वजहों के साथ ही इस ट्रायंगल की वजह से अटलांटिस शहर गायब हुआ है। नंबर 1, एरिया 51। एलियंस और उड़नतश्तरी यानी यूएफओ को लेकर हमेशा लोगों में उत्सुकता रही है। क्या वाकई में इनका अस्तित्व है? क्या इन्हें देखे जाने का दावा करने वालों की बातों में दम है? अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां इसे लेकर रिसर्च जोरों पर है। एरिया 51 एक सैन्य मिलिट्री इलाका है जो अमेरिकी शहर लास वेगास से 80 मील उत्तर योजक चिन्ह पश्चिम में स्थित है। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां दूसरे ग्रहों से आए एलियनों के ऊपर शोध कार्य किया जाता है। कई लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ को वहां उड़ते देखा है। सन 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक इस जगह पर एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें से एक एलियन का शव भी बरामद हुआ था। ये एलियन 4 फुट का था और अनगढ़ मानव जैसा दिखता था। कुछ लोगों का दावा है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहां काम करते हैं। वो लगातार एलियंस से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया 51 एक ऐसा स्थान है जो जहां आम आदमियों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड क्लिक हियर टू सब्सक्राइब।